बमचक इज प्रेजेंटेड बाय हाउजेट इन एसोसिएशन विद 5paisa.com। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खत्म हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। आखिरी वनडे में भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से हरा दिया और इस जीत के साथ ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया के विजय रथ पर भी ब्रेक लगा दिया। बता दें कि मैग लैनिंग की टीम पिछले 26 वनडे मैच से अजय चल रही थी। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने गार्डनर और मूनी के 85 के दम पर 264 रन बनाए और मेहमान टीम को जीत के लिए 265 रन का लक्ष्य दिया। इससे पहले भारत ने कभी भी इतने बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं किया था, लेकिन 26 सितंबर को इतिहास लिखा जाना था। शिफाली वर्मा, यस्तिका भाटिया के 85 के दम पर भारत ने 8 विकेट खोकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। 37 रन देकर 3 विकेट चटकाने वाली झूलन गोस्वामी को प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। बहरहाल 3 मैचों की वनडे सीरीज में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और अच्छी बात यह है कि फरवरी में होने वाली महिला विश्व कप को देखते हुए दोनों टीम ने नए चेहरों को मौका दिया। आइए बात करते हैं वनडे सीरीज से भारतीय महिला टीम को क्या मिला। यस्तिका भाटिया, तीसरे वनडे मैच में जिस तरह 21 साल की इस बल्लेबाज ने दिलेरी दिखाई और लगभग 93 के स्ट्राइक रेट से 64 रन की पारी खेली, वो काबिले तारीफ है। यस्तिका ने इंटेंट दिखाया जिसकी सख्त जरूरत टीम इंडिया के बल्लेबाजों को है। 3 वनडे मैच में यस्तिका ने 102 रन बनाए। मंधाना के बाद वो भारत की तरफ से दूसरी लीडिंग रन स्कोरर रही। मिडिल ऑर्डर में जेमैमा के बाद यस्तिका भाटिया के रूप में एक बढ़िया विकल्प मिला है। ऋचा घोष, ऋचा नए विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। ऋचा को मौका विकेटकीपिंग की वजह से नहीं बल्कि पावर हिटिंग एबिलिटी की वजह से मिला। इस बात में कोई शक नहीं कि ऋचा घोष में बड़े शॉट्स लगाने का मादा है, लेकिन उन्हें विकेटकीपिंग सुधारनी होगी या फिर तानिया भाटिया को विकेटकीपिंग सौंप कर ऋचा को फिनिशर के तौर पर तैयार किया जा सकता है, क्योंकि बीते 3 सालों में हरमनप्रीत कौर का स्ट्राइक रेट और फॉर्म निराशाजनक रहा है। पूजा वस्त्राकर, झूलन गोस्वामी के बाद कौन? इस सवाल का जवाब भारत को हर हाल में ढूंढना पड़ेगा और जवाब पूजा वस्त्राकर हो सकती हैं, बशर्ते मैनेजमेंट को पूजा पर भरोसा दिखाना होगा। ये नहीं कि एक सीरीज खराब प्रदर्शन किया तो बाहर कर दो। भारत के पेस अटैक में झूलन गोस्वामी के अलावा शिखा पांडे हैं। विश्व कप न्यूजीलैंड की पिच पर खेला जाना है, ऐसे में पूजा वस्त्राकर तीसरी पेसर के रूप में बेहतर ऑप्शन हो सकती हैं। मिताली राज लेजेंड हैं और उन्होंने भारतीय टीम के लिए कई सालों से महत्वपूर्ण योगदान किए हैं, लेकिन मिताली राज के साथ सबसे बड़ी दिक्कत उनका स्ट्राइक रेट है। साल 2018 के बाद से मिताली ने 32 वनडे पारियों में 1201 रन बनाए हैं, एवरेज 50 का रहा है। इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 10 अर्धशतक लगाए हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट 62 का रहा है। भारत के जीते हुए 18 मैचों की 16 पारियों में मिताली के 584 रन हैं। 5 पचासे जरूर लगाए हैं, लेकिन इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 59 का रहा है। वहीं हारे हुए 16 मैचों में मिताली राज ने 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं। इस दौरान उनका एवरेज 44 का और स्ट्राइक रेट 66 का रहा है। अच्छी बात यह है कि मिताली राज एक छोर को थामे रखती हैं, लेकिन उनकी वजह से रन की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है और दूसरे खिलाड़ियों पर दबाव बढ़ता है। फील्डिंग और फिटनेस, मिताली राज की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने दूसरे और तीसरे मैच में प्रदर्शन अच्छा किया है। अगर दूसरे वनडे मैच में नो बॉल नहीं होती तो शायद सीरीज का रिजल्ट भी भारत के फेवर में होता, लेकिन हमें चर्चा फील्डिंग की भी करनी होगी। 3 वनडे मैचों में भारत की फील्डिंग का स्तर बेहद खराब रहा, कई मिसफील्स हुए, खिलाड़ियों ने आसान कैच छोड़े, रनआउट के मौके गवाए, फिटनेस लेवल बेहद खराब रहा। विश्व कप से पहले टीम इंडिया के मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा फील्डिंग और फिटनेस पर काम करना होगा, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें जीत और हार का अंतर पैदा करती हैं। इस बीच बात करते हैं निवेश की। 5paisa ऐप से अब निवेश करना हुआ और भी आसान। 5 मिनट में डीमैट अकाउंट बनाएं और पाएं रिसोर्स टूल्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, 0% ब्रोकरेज और ₹20 पर ट्रेड पर। ये खबर आपके लिए लिखी अविनाश ने। कैमरे के पीछे दीपक और मैं मेघा, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।